हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बथुआ साग का चोखा बनाकर बताऊंगी। इसके लिए हमने 1 किलो बथुआ ले लिया है, 4 हरा मिर्चा, थोड़ा आदि का कद्दूकस कर लिया है, सागा लहसुन और थोड़ा सा नमक ले लिए। अब हम गैस जलाकर और साग को उबलने के लिए हम रखेंगे। उसके बाद हम साग को इसमें हम रख देते हैं। इसमें थोड़ा नमक डाल के इसे उबलने के लिए रखेंगे और इसमें आधा कटोरी पानी। उसके बाद हम सीटी लगा देंगे इसको। तीन सीटी में यह साग उबल जाएगा। अब गैस बंद करते हैं। 3 सीटी हो गया, इसका सीटी निकल जाता है तो फिर हम साग को पलटेंगे। अभी से हम ठंडा कर लेते हैं। इसी तरह आप लोग भी साग को बनाइए। बथुआ को साग को चुन लीजिए, चुनने के बाद उसे धो लीजिए। उसके बाद इसे थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इसे उबलने के लिए रख दीजिए। अब यह ठंडा हो जाता है तो फिर हम बथुआ का साग का चोखा कैसे बनता है वह मैं बताऊंगी। पूरा बथुआ का साग का हम पानी निचोड़ लेंगे इसे। अब इसे हम हाथ से ही इसे हम मसल लेंगे, पीसने की जरूरत नहीं है, ये हाथ से ही हो जाता है। अब इसमें हम अदरक डालेंगे, मिर्चा डालेंगे और लहसुन डालेंगे और थोड़ा सा हम बथुआ के उबालते समय डाले थे तो थोड़ा सा नमक डालेंगे। उसके बाद में 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसे पूरा तरह से इसे हम मसल देंगे। देखिए बथुआ का चोखा बनकर तैयार हुआ है। इस तरीका को आप लोग भी अपनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।